हैं जो रास्ता पार करने की कोशिश कर रहे हैं। देर रात से यहां पर बारिश जारी रही। शहर के बुधवारा, इतवारा, सिंधीपुरा सहित अनेक वार्ड जलमग्न हो गए। हाथों में कोई छाता लिए नजर आ रहा है तो कोई रेनकोट पहना हुआ है। बस मोटिव यही है कि खुद को सुरक्षित घर पहुंचाया जा सके, क्योंकि बारिश जो इतनी हो रही है। सुरक्षा की दृष्टि से ताप्ती के सभी घाटों पर होमगार्ड तैनात किए गए हैं। इस इलाके से लोगों को दूर रहने को कहा गया है और जो भी इस आसपास इलाके में रह रहे थे उनका रेस्क्यू भी किया गया है। तो इंदौर इच्छापुर राजमार्ग के शनवारा चौराहे पर पानी भर गया और पानी का बहाव इतना तेज कि लोगों को पैदल चलने में भी परेशानी हो रही है। यहाँ राजघाट पर SDRF का बल लगा हुआ है और अन्य घाटों पर भी जवान ड्यूटी पर लगे हुए हैं, जैसे नागजरी घाट, पीपल घाट, सतियारा घाट, इन पर भी जवान ड्यूटी पर लगे हुए हैं। और यहाँ पर बोट वगैरह की व्यवस्था भी लगा दी गई है, तो वो भी रेडी आवी करके और घाट पर रहे। माँ ताप्ती का जल जिस प्रकार अभी हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है और पानी बढ़ता है, तो हमारे शहर में कहीं ना कहीं खातू घाट है, सत्यारा घाट है, राजघाट है, कहीं ना कहीं जनता की हमको चिंता करना पड़ती है। तो हम उसी की तरह हमारा पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन, NDRF की टीम और हमारा नगर निगम का हमला पूरा यहाँ पर घाटों पर खड़ा है। मैंने भी आकर देखने का निरीक्षण किया कि बुरहानपुर की जनता से मेरा अनुरोध है कि आप जो जो घाटों किनारे रहते हैं वो अपनी अपनी चिंता करते रहे। और क्योंकि देश भर में बारिश हो रही है, पूरे मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है, तो जबलपुर कहां पीछे रहता। जबलपुर स्थित बरगी बांध से पानी छोड़े जाने के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया। संस्कार धानी के गौरी घाट समेत कई घाटों पर लबालब पानी भरा और कई मंदिर भी मां नर्मदा के बढ़ते जलस्तर में डूबे नजर आए। इसके बाद लोगों को परेशानी हुई। शहर में तेज बारिश के बाद बुधवार को बरगी बांध के 5 गेट खोले गए, जिसमें लाखों लीटर क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे निचले इलाकों में नर्मदा नदी उफान पर है। तस्वीर देखिए, पानी का जलस्तर बढ़ चुका है, घाट तक पहुंच चुका है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की है, लापरवाही न बरतने की अपील की है। दिक्कत यही आती है कि जितने भी श्रद्धालु नर्मदा जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो जो दुकानें सामान्य दिनों में वहां पर लगी रहती हैं, बांध के गेट खुलने से जलस्तर ऊपर आ जाता है, वो सारी दुकानें बीच रोड में एकदम रखी रहती हैं, श्रद्धालुओं के जाने की जगह नहीं रहती। वहां पर मांगने वाले बुजुर्ग सभी एक लाइन से पड़े रहते हैं, श्रद्धालु तो जा ही नहीं पाते हैं, तो ये बहुत दिक्कत है। ये दुकानों को पहले से हमेशा के लिए ऐसी व्यवस्थित कर दी जाए कि जब गेट खुले तो इन लोगों को कोई परेशानी ना हो, अपना जगह घाट जो है वो स्वच्छ और सुंदर हमेशा दिखता रहे। बहुत ज्यादा गंदगी हो जाती है इस समय में। और चले अब बात राजधानी भोपाल की भी कर लेते हैं, जहां तेज बारिश हो रही है, तभी तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हमने भी कर लिए हैं। शुक्रवार देर रात झमाझम पानी गिरा और ऐसे में राजधानी का कोलार, कलियासोत, केरवा और भदभदा डैम लबालब हो गया। कोलार डैम के 2 गेट खोलने पड़े। सावन में बारिश से चारों तरफ हरियाली की चादर है। आपको बता दें, इस पूरे सिनेरियो का, मौके का जायजा लिया संवाददाता सूरज शर्मा ने। मध्य प्रदेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सिस्टम बना हुआ, सेंट्रलाइज सिस्टम बना हुआ, इसके चलते खासतौर से हम देख रहे हैं एक मानसून की ट्रफ लाइन है जो खासतौर से कोटा, रायसेन, सिवनी, रायपुर होते हुए ओडिशा की तरफ जा रही है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। खासतौर से 13% अब तक ज्यादा बारिश हो चुकी है और यही कारण है कि इस बारिश के चलते तमाम जो जलाशय है, खासतौर से जो डैम है, वो लबालब भरते हुए नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे आने वाले समय माना जा रहा है कि कई दौर ऐसे आएंगे जब हम तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा। राजधानी भोपाल की बात करें तो कल देर रात झमाझम बारिश हुई। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली गई, कई पेड़ भी धराशायी होते नजर आए, कई स्थान ऐसे हैं जहां जलभराव की स्थिति बनी। आने वाले समय की बात करें तो मौसम विभाग ने करीब 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, तो वहीं 40 जिले ऐसे हैं जहां पर हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। एक सेंट्रल जो ट्रफ लाइन बनी है उसी के चलते मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। कल भी हम बात करें तो कोलार डैम के 2 गेट खोले गए, तो लगातार बारिश का दौर जारी है और बारिश ने एक प्रकृति को कितना खूबसूरत बना दिया है, ये भी अपने सहयोगी से कहूंगा वो नजारा दिखाया कि डैम के आसपास किस तरीके से एक हरियाली की चादर है वो ओढ़े हुए नजर आ रही, किस तरीके से पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं, उसके ऊपर तमाम जो पेड़ पौधे हैं वो नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर माना जा रहा है कि सावन के मौसम पर कैसे हरियाली की चादर मध्य प्रदेश में ओढ़ी हुई है, वैसा नजारा नजर आ रहा है। कुछ लोग भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, जो सुबह सुबह यहां पर पहुंचे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कि मौसम का कैसे लुत्फ वो उठा रहे हैं। तो कुछ बच्चे भी, उनसे भी हम बात करेंगे। आप लोग भी सुबह सुबह मौसम का मजा लेने आए, कैसा है मौसम?
अब भोपाल की बात किया जाए तो भोपाल में सुकून है पूरा। ऊपर से यहाँ पे अब इस टाइम में बारिश के मौसम में हम यहाँ पे अक्सर आते हैं, यहाँ पे सुंदरता इतनी ज़्यादा है, हरियाली इतनी ज़्यादा है, सुकून तो अलग ही है। अब यहाँ पे अब क्या ही कह दिया जाए, भोपाल हमेशा ही से ही अच्छा रहा है, बारिश के मौसम में हमेशा ही क्या कह दिया, बारिश हो रही है, बहुत खुशनुमा मौसम हो चुका है, लबालब डैम भर गए, खूबसूरत नजारा चारों तरफ हरियाली और पानी पानी, बहुत बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है भोपाल हमारा। और ऊपर से जब बारिश होती है तब तो और इतना उसकी भोपाल की खूबसूरती जो है वो निखर के आ जाती है, तो मुझे तो बस सुकून चाहिए तो मैं तो यहाँ आती हूँ। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो बारिश में भोपाल की खूबसूरती निखर के आती है, ये लोगों का मानना है। चले आगे बढ़ते हैं, अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं जहां मॉनसून एक्टिव है। प्रदेश में अच्छी खासी बारिश हो रही है, अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग ने बता दी है। राजनांदगांव, कबीरधाम, बलरामपुर, राजधानी रायपुर, यहाँ बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा बिलासपुर, मुंगेली और बेमेतरा में भी बारिश का अनुमान लगाया गया है। तो प्रदेश में मॉनसून अब एक्टिव मोड में है, और जब मॉनसून एक्टिव है यानी कि बारिश होगी, अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना जताई गई है। टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजधानी रायपुर की तस्वीरें जहां अच्छी खासी बारिश हो रही है। तो देखिए लोग यहां पर रेनकोट का सहारा ले रहे हैं और बारिश के चलते आप देख सकते हैं जलभराव भी कहीं कहीं नजर आ रहा है। अब ये तस्वीरें देखिए जहां तूफान देखने को मिला, तो राजनांदगांव, कबीरधाम, बलरामपुर, राजधानी रायपुर, बिलासपुर, मुंगेली, ये वो इलाके हैं जहां खास तौर पर बारिश हो सकती है। मॉनसून एक्टिव है और इसका कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है वो इन इलाकों में देखने को मिल रहा है। आने वाले 2 से 3 दिनों में खास तौर पर बारिश हो सकती है। और चलिए अब इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला लाइव जुड़ गए हैं। गौरव देखिए छत्तीसगढ़ की बात करें तो मॉनसून एक्टिव मोड में है, कब तक इसी तरीके का मौसम बरकरार रहेगा और क्या कुछ वहां पर हालात? जी बिल्कुल, देखिए यदि मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो मानसून की द्रोणिका सक्रिय है और उसके साथ साथ एक चक्री चक्रवात जो है उसका घेरा बना हुआ है, जिसके चलते प्रदेश भर में जो है बारिश जो है वो अच्छी तरीके से हो रही है। और बिलासपुर और सरगुजा संभाग के लिए खासकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, और दक्षिण छत्तीसगढ़ के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया जहां पर गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वहीं यदि बात की जाए बस्तर संभाग की तो बस्तर संभाग में लगातार जो बारिश का दौर है वो जारी है। बीजापुर में अभी तक सबसे अधिक वर्षा जो है वो दर्ज की गई है। हर साल की तरह इस साल भी बीजापुर सुकमा क्षेत्र ऐसा है जहां पर लगातार बारिश हो रही है। तेलंगाना से पानी का जो वहां से जो डैम से पानी छोड़ा जाता है वो भी बीजापुर की तरफ बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं बीजापुर और सुकमा में जो जल भराव की स्थिति है वो ज्यादा है। और साथ ही साथ जो अन्य जिले हैं, चाहे राजनांदगांव की बात करूं, कबीरधाम की या रायपुर, राजधानी रायपुर की बात करूं, यहां पर भी अमूमन यही स्थिति है, सुबह से ही बारिश होती है लेकिन जैसे ही दिन चढ़ता है और दोपहर होती है तेज धूप के साथ लोगों को उमस से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है लेकिन कहीं कहीं पर वो अलर्ट सही भी हो रहा है और कहीं पर वो अलर्ट का असर जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। और आने वाले 3-4 दिनों तक ठीक इसी तरीके का मौसम चक्री चक्रवात और मानसून द्रोणिका के चलते बना रहेगा। जी बिल्कुल गौरव, ठीक है, आपने बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चले जाते जाते कुछ तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं जहां पर इसी तरीके के हालात बने हुए हैं, बारिश का दौर जारी है और लोग परेशान हो रहे हैं। नेपा नगर, राजधानी भोपाल, हरदा, अलोट, उज्जैन और बुरहानपुर की ये तस्वीरें जहां जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, पानी पानी हर जगह नजर आ रहा है, 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन्स पर। तो देश भर में बारिश हो रही है जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको इस बुलेटिन में दिखाई। आप भी सुरक्षित रहिए, छाते का इस्तेमाल करिए, हमारी तरह ध्यान रखिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।